नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास प्रस्तुति डॉक्टर कॉलिंग में। मैं आपके साथ हूं पूजा मोहन पांडे। डॉक्टर कॉलिंग में हम बात करते हैं अलग अलग बीमारियों के समाधान की, और आज हम बात करने वाले हैं किडनी से जुड़ी परेशानियों की। हर साल किडनी की बीमारी के चलते लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। किडनी शरीर का ऐसा अहम अंग है जो शरीर से वेस्ट और हार्मफुल एलिमेंट्स को बाहर निकालने का काम करता है, और शरीर में पानी के साथ साथ और भी जो लिक्विड एलिमेंट्स हैं उनको नियमन का भी काम किया करता है। आपको ये बता दूं कि हमारा खान पान और जीवन शैली किडनी को बुरी तरीके से प्रभावित करती है, और सबसे खतरनाक बात ये कि अधिकतर लोगों को इसकी जानकारी तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। दरअसल किडनी की जो बीमारी है उसके लक्षण उस वक्त उभर करके सामने आते हैं जब किडनी 60-65% डैमेज हो चुकी होती है। इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इसलिए समय रहते इसके लक्षणों की पहचान किया जाना बेहद जरूरी है। किडनी की समस्याओं से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश अग्रवाल जी। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात ये कि कितनी नॉर्मल हो गई है आज किडनी की बीमारी, और बीमारी कितनी बढ़ रही है इस पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज हैविंग क्रॉनिक किडनी डिजीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी, किडनी की बीमारी 5 स्टेजेस में डिवाइड की गई है। जी, एंड लास्ट स्टेज जो स्टेज 5 कहते हैं वो तब कहते हैं तो दोनों किडनियां 15% से कम काम करती हैं। वो ऐसी स्टेज है जिसको कि एंड स्टेज रीनल डिजीज कहते हैं, और उस स्टेज में पेशेंट को डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। ऑन एन एस्टिमेट एग्जैक्ट फिगर्स आर नॉट नोन, बट अबाउट 2 लाख पेशेंट्स ऑफ एंड स्टेज रीनल डिजीज एवरी ईयर इंडिया के अंदर एड होते हैं टू द एग्जिस्टिंग पूल of end stage renal disease in India. Jee. And unfortunately, only 10% of these people, they are able to get some form of treatment of end stage renal disease in the form of dialysis and kidney transplant. Jee. And more unfortunately, Dr. Saab, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगी। हमारी ऑडियंस हिंदी है, तो अगर आप हिंदी में बताएं तो उनको शायद ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा और हमारा जो प्रोग्राम का मकसद है वो भी पूरा हो पाएगा। जी, इनमें से 10% लोग ही हमारे ऐसे हैं जो कि कुछ जो ट्रीटमेंट है वो ले पाते हैं। जी, वो ट्रीटमेंट डायलिसिस की फॉर्म में है या गुर्दा बदलने के जिसे हम किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं उस फॉर्म के अंदर है। और भी जो दुखदायी बात ये भी है कि ओनली 4% टू 4 टोटल ऑफ दीज पेशेंट्स दे आर एबल टू गेट किडनी ट्रांसप्लांट, विच इज़ द बेस्ट, जो कि इस बीमारी का सबसे बढ़िया इलाज है। जी, और हिंदुस्तान में सारे एक साल के अंदर अबाउट 7,000 से 8,000 किडनी ट्रांसप्लांट हर साल होते हैं, जबकि 2 लाख पेशेंट एवरी ईयर हमारे ऐड होते हैं। तो दिस इज वेरी लेस, एंड मेजर रीजन फॉर दिस लेस ट्रांसप्लांट्स इज बिकॉज द किडनी किडनी ऑर्गन नहीं मिलते हैं। वो किडनी ऑर्गन जो है बिकॉज द लोग इतने दे नहीं पाते हैं, फैमिली के लोग जो हैं, और कैडेवरिक ट्रांसप्लांट जो कि हमारा जैसे पेशेंट की डेथ हो जाती है वो अभी वेंटिलेटर पे है, उसका हार्ट काम कर रहा है पर ब्रेन डेड हो चुका है, इस तरह के किडनी ट्रांसप्लांट जो हैं अभी नॉर्दर्न इंडिया साइड में पिकअप, पर्टिकुलरली इन दिल्ली इट इज़ नॉट पिकिंग अप। जी, तो कहीं ना कहीं ये समस्या है किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर के भी प्रॉब्लम्स। डॉक्टर साहब, आप चेन्नई और दिल्ली के कंपैरिजन का जिक्र कर रहे थे बात करने से पहले जब हमें चर्चा की शुरुआत हो रही थी, तो किडनी और किडनी का जिक्र करते हुए हमने बात करी, तो आप दिल्ली और चेन्नई के कंपैरिजन का जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से दोनों जगहों पर ट्रांसप्लांट को लेकर के वैरी करता है। देखिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट बिल जो है वो इंडिया के अंदर 1994 में पास हुआ था, उसके बाद में ये जो है कैडेवरिक ट्रांसप्लांट जो है रियलिटी बन गया। बट जो अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ये साउथ इंडिया के अंदर तो ये चीज़ काफ़ी पिकअप कर गई है, बट दिल्ली के अंदर ये पिकअप नहीं कर रहा है। जैसे दिल्ली के अंदर एक साल में लगभग 1,000 ट्रांसप्लांट होते हैं, उनमें से कैडेवरिक जो है 20 भी नहीं होते हैं। वेयर एज चेन्नई के अंदर वहाँ पर भी 1,000 ट्रांसप्लांट होते हैं एक साल के अंदर, बट
400 से 500 वहां पर कैडेवरिक ट्रांसप्लांट है। इसका मतलब ये नहीं है, इसके पीछे का रीजन अगर हम अवेयरनेस को माने तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली के अंदर हमारे पास कैडवर की कमी है जी। इसका रीजन ये है कि हम लोग अपनी डेड बॉडीज को, ऑर्गन्स को ज्यादा प्यार करते हैं। हम चाहते ये हैं कि हमारे जब हम क्रिमेट करें तो डेड बॉडीज के साथ ऑर्गन भी चले जाएं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारी मीडिया की, डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके बारे में हम अवेयरनेस क्रिएट करें पब्लिक के अंदर कि वो जो है ऑर्गन देने से जो आदमी जा रहा है वो तो जा ही रहा है, वो इतने लोगों को लाइफ देके जा सकता है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब रीजंस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से किडनी की परेशानी सामने आती है। किडनी की बीमारी मेजर कॉज जो है वो डायबिटीज है। डायबिटीज इज अ वेरी डायबिटीज बहुत कॉमन कारण है। यदि आप देखिए हमारे पास जैसे 400 पेशेंट हैं जो डायलिसिस पे हैं हमारे एक्शन बालाजी में, उसमें से 50% पेशेंट जो हैं वो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं जी। सेकेंड इम्पॉर्टेंट कॉज है ब्लड प्रेशर। अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर काफ़ी दिन चलता रहे तो वो भी किडनी को ख़राब कर देता है जी। यंग फिर आपकी यंग एज के अंदर गुर्दे में सूजन आना, जिसको हम क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं, वो बड़ा कॉमन है यंग एज में। लेस देन 40 इयर्स में डायबिटीज इतना कॉमन इंपॉर्टेंट कारण नहीं है किडनी खराब होती, उसके अंदर गुर्दे में सूजन आने से किडनी खराब होती है जी। या पेन किलर्स खाना, या पथरी की शिकायत होना और उसका इलाज नहीं कराना जी, या क्रॉनिक इंटरस्टिशियल डिजीज होना, ये भी इंपॉर्टेंट कारण है। और कई बार गुर्दे की बीमारी फैमिली में रन करती है, जैसे सिस्टिक डिजीज, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है। यदि फादर को प्रॉब्लम है या मदर को प्रॉब्लम है, बच्चों को आगे होने की प्रॉब्लम रहती है। एल्पॉट सिंड्रोम है, वो भी इसी तरह की प्रॉब्लम है जो कि फैमिली में रन करती है, ये भी काफी कॉमन है। दीज आर द कॉमन कॉजेस। डॉक्टर साहब हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, राहुल जुड़े हैं दिल्ली से हैं। राहुल बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, जैसे हम कई बार पेशाब कुछ ज्यादा ही पीला आता है जी, तो उससे जुड़ी क्या परेशानियाँ हो सकती है, मतलब मैं एक बार ये जानना चाहता हूँ। कलर को लेकर के प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब। नॉर्मली हम लोग 1.5 से 2 लीटर पानी पीते हैं जी, और लगभग 1.5 लीटर हम यूरिन करते हैं जी। यदि हम पानी गर्मी ज्यादा है, पानी हम कम पीते हैं, तो हमारा यूरिन जो है वो गाढ़ा हो जाता है जी, उससे वो येलो कलर का नजर आता है जी। यदि पानी हम ज्यादा पिए तो ऑटोमेटिकली कलर उसका ठीक हो जाता है, ये कॉमनेस कारण है जी। बाकी कई बार कोई दवाई खा रहा है उससे भी पेशाब पीला हो सकता है, और रीजंस भी हो सकते हैं जी। तो मतलब डरने की बात नहीं, डरने की बिल्कुल बात नहीं है। डॉक्टर साहब कारण का हम जिक्र कर रहे थे कि कारण क्या क्या होते हैं, अब लक्षण की बात कर लेते हैं कि अगर जो जो आपने कारण बताया उसको उसको लक्षण क्या है, किस तरीके से अगर हमको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो अब हमको डॉक्टर का रुख करना चाहिए, अब हमको हॉस्पिटल का रुख करना चाहिए, अब हमें एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम है और अब हमें इलाज कराना चाहिए। एक्चुअली कॉमनेस्ट जो होता है पेशाब के अंदर प्रॉब्लम, पेशाब कम आना, सडन ऑनसेट पेशाब कम आना शुरू हो गया, या पेशाब ज्यादा आना शुरू हो गया, रात में बार बार उठ के जाना शुरू हुआ, पेशाब में ब्लड चला गया, पेशाब में प्रोटीन जाना शुरू हो गया जिसे हम झाग कहते हैं, झाग आने शुरू हो गया, या पेशाब में एकदम पेशेंट के हिसाब मेरा यूरिन भी कम हो गया है और ब्लड भी जाना शुरू हो गया है, या पेशाब में पथरी की शिकायत निकलना, ये कॉमनेस्ट सिम्टम्स है। या पेशाब करते हुए जलन होना, पेशाब का रुक जाना, प्यूररी सिम्टम्स, पेशाब के सिम्टम्स बड़े कॉमन होते हैं जी। डॉक्टर साहब हमारे साथ में अमृतसर से राजेंद्र कौर जुड़ी हुई हैं। राजेंद्र बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। डॉक्टर हमारे साथ हैं, सवाल पूछें आप अपना। हाँ जी हमारा है ना फादर इन लॉ है, उनको बड़ी किडनी की प्रॉब्लम है, उनको एक तो बाथरूम जो है वो उनको लग के आता है, और एक उनको थोड़ी मतलब जब वो सांस की प्रॉब्लम आती है, उनको किडनी की प्रॉब्लम है, वो दवाई चलती है मगर डायलिसिस भी उनका एक दो करवाया है, तो उनको मैंने डॉक्टर साहब से पूछना है कि क्या उनके लिए कोई है जो उनको मतलब ये बाथरूम में जो लग के आता है इसके लिए कोई मेडिसिन, या उनको जो सांस लेते हैं सोते समय तो कभी कभी प्रॉब्लम आती है, तो उसके बारे में पूछना है जी। डॉक्टर साहब अपने फादर इन लॉ के बारे में पूछना चाहते हैं। एक्चुअली जो आप बता रहे हैं ये हमारे एडवांस्ड किडनी जब फेलियर हो जाता है तो पेशेंट का सांस फूलना, भूख ना लगना, उल्टी आना और बैठ के खड़े होने में दिक्कत आना, खुजली होना, पेशाब तो ज़्यादातर जैसे किडनी ख़राब होती चली जाती है पेशाब की मात्रा कम होती जाती है, पर ओल्ड एज में कई बार पेशाब का बार बार आना,
पेशाब ना कर पाना, गुर्दा प्रोस्टेटिकली बढ़ जाता है ओल्ड एज में, और वो इस तरह की ट्रबल आनी शुरू हो जाती है। इसके लिए तो आपको किडनी स्पेशलिस्ट से मिलके वही आपको समाधान बता पाएंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब हमारे साथ में फतेहाबाद से आजाद सिंह जुड़े हैं। आजाद बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करें। हाँ जी, हमारे ना लेफ्ट साइड किडनी में 8 mm की स्टोन आएगी। जी स्टोन की प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब। स्टोन की प्रॉब्लम जी, तो इसका क्या कुछ इलाज कराएं इसके बारे में थोड़ा? स्टोन की बीमारी बड़ी कॉमन होती है हमारे यहाँ, पर्टिकुलरली नॉर्दर्न इंडिया में बड़ी कॉमन है। जी बट डिक्टम इसका ये है कि यदि 5 mm से नीचा स्टोन है, छोटे साइज का स्टोन है, तो उसके अपने आप बाहर निकलने के 100% चांस है। जी यदि 5 और 10 mm के बीच का स्टोन है तो उसमें 50% चांस है कि वो अपने आप निकलेगा, और यदि वो 10 mm से बड़ा है तो उसके निकलने के 0% चांस है। इट इज लाइक दिस। अनदर थिंग इज ये स्टोन बनते क्यों हैं, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो पब्लिक को जानना बहुत जरूरी है। हमारे साथ में युद्धवीर जुड़े हुए हैं दिल्ली से, उनको लेंगे। युद्धवीर बहुत बहुत स्वागत है आपका। युद्धवीर का शायद संपर्क हमसे टूट गया है। तो डॉक्टर साहब आप पथरी का जिक्र कर रहे थे कि पथरी क्यों बनती है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा का लोगों को जानना जरूरी है, इसके बारे में भी अवेयरनेस होनी चाहिए। एक्चुअली पथरी बनने के सबसे बड़ा कारण ये है कि पेशेंट का रेड मीट खाना, रेड मीट खाने से और नमक ज़्यादा खाने से, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट कारण है जिससे पथरी बनती है। जब तक कि ज़्यादातर धारणा ये रहती है कि हमने मिल्क लिया, मिल्क प्रोडक्ट्स लेने से, मिल्क एंड कैल्शियम प्रोडक्ट लेने से पथरी का कोई संबंध नहीं है। अदर कैल्शियम, ये कम, ये कहीं ना कहीं मिथक है। मिथ, दिस इज अ मिथ। एंड कैल्शियम जो है, बल्कि हम लें तो स्टोन कम बनेंगे, यदि कैल्शियम नहीं लेंगे तो स्टोन ज्यादा बनेंगे। प्रदीप जुड़े हैं, हिसार से जुड़े हैं। प्रदीप बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछे। प्रदीप क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, सवाल पूछे प्रदीप, अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दें। हाँ जी, मेरे कमर में लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है बहुत ज्यादा। जी कमर में लेफ्ट साइड पेन हो रहा है डॉक्टर साहब, तो ये हो सकता है पथरी का दर्द है। इसके लिए आपको अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, यूरिन चेक कराना पड़ेगा, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, उस हिसाब से इसका इलाज चलेगा। हो सकता है पथरी का दर्द हो। जी तो प्रदीप जी, आपको डॉक्टर साहब ने बता दिया है, अब आप डॉक्टर से कंसर्न कीजिए, और हो सकता है कि आपको स्टोन की प्रॉब्लम हो। सुनील डॉक्टर साहब हमारे साथ निर्वाणा से जुड़े हैं, कॉलर हैं। सुनील बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी सुनील सवाल पूछें। जी मेरे को डिस्क की प्रॉब्लम है जी, मैडम जी। जी क्या मैं इसमें खून डोनेशन कर सकता या नहीं कर सकता डॉक्टर साहब? किस चीज की बीमारी है आपको? सुनील जी अपनी परेशानी एक बार फिर से आप बता दें। डिस्क की प्रॉब्लम, डिस्क की जी। एक्चुअली ये तो आप इसको ब्लड देने में तो ऐसी कोई बात नहीं होती है, बड़ा कि हम तो किडनी के बारे में बात कर रहे हैं ना, किडनी के बारे में बात करिए आप। जी सुनील जी, आपका किडनी से जुड़ा कोई सवाल है? कान दुखता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम दोबारा जब इस बीमारी के बारे में बात करेंगे तो हम चाहेंगे कि आप हमसे जुड़ें और आपकी समस्या का समाधान हो। तो डॉक्टर साहब हम कारणों के लक्षणों की बात कर रहे थे कि क्या कुछ लक्षण होते हैं जो अगर हमें दिखाई दे तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर साहब अक्सर देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा लोगों में थकान आ जाती है, तो क्या थकान होना भी एक रीज़न हो सकता है? क्योंकि जो हमारा डेली शेड्यूल है वो तो इतना ज़्यादा बिजी हो गया है अभी कि हमें रेस्ट का भी टाइम नहीं मिलता, तो क्या थकान ज़्यादा होना भी एक थोड़ा सिम्टम है जिसके लिए हमें अवेयर हो जाना चाहिए, डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए? बिल्कुल आपने सही कहा जी। अपनी दो चीजें जो हैं अपने आप अपने जो बढ़िया बताई हैं, एक तो ये किडनी की बीमारी जो है वो एक साइलेंट किलर है जी। सिमिलरली हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर जो होता है वो भी एक साइलेंट किलर होता है जी। इस करके इस बीमारी को अर्ली पिकअप करने के रास्ते यही हैं कि हमें जो है रेगुलर चेकअप कराना। एंड ज्यादातर वो सिम्टम्स इतने ग्रेजुअल आते हैं कि आप रियलाइज नहीं कर पाते हैं वो सिम्टम्स क्या होते हैं। ज़्यादातर वेट रिडक्शन होना जी, और आपका भूख ना लगना, आपका जो है उल्टी आना जी, ये लेट सिम्टम्स में आते हैं, अर्ली में यही है कि वीकनेस। हम अपनी चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। ज्योति राव हमारे साथ जुड़ी हैं रेवाड़ी से। ज्योति बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, मैडम जी, आप अपना सवाल पूछें ज्योति। सवाल पूछिए। थैंक यू मैडम, नमस्कार।
ज्योति आप एक काम करिए, अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए क्योंकि आपको उसकी वजह से परेशानी हो रही है, आप सवाल नहीं पूछ पा रहे। हाँ जी सर, मेरे डायबिटीज है, मेरी किडनी में प्रॉब्लम है सर। जी डॉक्टर साहब, डायबिटीज है, किडनी में प्रॉब्लम है, तो इसके लिए इनको क्या? डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि किडनी की बीमारी, अबाउट 40% लोगों को किडनी की बीमारी हो जाती है जी। एंड किन लोगों, 40% कौन से लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जिनकी की फैमिली में डायबिटिक पेशेंट है और किडनी की बीमारी चल रही है, नंबर वन। नंबर टू, जिनकी की शुगर अनकंट्रोल्ड रहती है फर्स्ट 10 ईयर्स ऑफ द ऑनसेट ऑफ डायबिटीज, जैसे डायबिटीज जैसे शुरू हुई और 10 साल में, इनिशियल 10 ईयर्स में यदि ब्लड शुगर जो है वो आपकी अनकंट्रोल्ड रहती है तो, और यहाँ ब्लड प्रेशर हाई रहता है जी। वो लोग जहाँ ओबेसिटी आ जाती है और पेशेंट एक्सरसाइज नहीं करता है, स्मोकर है, अल्कोहल ज़्यादा लेता है, इन लोगों में अबाउट 20 to 25 ईयर्स के बाद में किडनी की बीमारी आने का बड़े हाई चांसेस रहते हैं जी। एंड कॉमनेस्ट कॉज किडनी फेलियर का यही है डायबिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड जी। तो इसके लिए उनको प्रिवेंशन भी करना चाहिए और डॉक्टर से कंसर्न भी करना चाहिए। बिल्कुल राजेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर साहब कैथल से जुड़े हैं। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजेश जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी राजेश जी सवाल पूछे, डॉक्टर साहब मौजूद हैं स्टूडियो में। सवाल पूछे राजेश जी। ये किडनी खराब होने के लक्षण क्या है मैडम जी? किडनी खराब होने के लक्षण हम लगातार बता रहे हैं राजेश जी, अगर आप फेसबुक के लाइव पेज पर भी जाकर के देखेंगे और आप प्रीवियस सेशन में जाएंगे तो उसमें आपको नजर आएगा कि हम लगातार लक्षणों की ही बात कर रहे हैं कि क्या क्या कारण है जिस वजह से क्या लक्षण दिखाई दें कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आप हमारा अभी पेज विजिट कर सकते हैं। अभी और भी हम थोड़ा सा बता देते हैं जी। एक तो मैंने बताया यूरिनरी सिम्टम्स जी, सेकेंड मैंने बताया कि साइलेंट किलर राइट, थर्ड जो है ब्लड प्रेशर होना, ब्लड प्रेशर यंग एज के अंदर या ओल्ड एज में सडन ऑनसेट ब्लड प्रेशर हो जाता है, यदि 20 साल का बंदा है, 15 साल का बच्चा है, उसको सडनली ब्लड प्रेशर हो गया जी। तो ऐसे पेशेंट में हमें हर समय देखना चाहिए किडनी की बीमारी हो सकती है जी। स्वेलिंग का आना, पैरों पे स्वेलिंग आना, मुंह में स्वेलिंग आना, तो वो भी एक सिम्टम किडनी की बीमारी का हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग आना, फिर जो लेट स्टेजेस में जैसे भूख ना लगना, उल्टी आना, बैठ के खड़े होने में दिक्कत आना, सांस फूलना, हार्ट की बीमारी हो जाना, या CVA जैसे फालिस कहते हैं वो पड़ जाना, इन लोगों के अंदर जो है किडनी की बीमारी इस तरह के प्रेजेंट करती है। डॉक्टर साहब ओम प्रकाश जुड़े हैं हमारे साथ कैथल से। ओम प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम प्रकाश जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी ओम प्रकाश जी सवाल पूछिए। चलिए हमारा संपर्क ओम प्रकाश जी से टूट गया है। डॉक्टर साहब आप लक्षणों का जिक्र लगातार कर रहे थे क्योंकि लक्षण ही अहम है कि भाई क्या हमें सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं और हमें डॉक्टर से कंसर्न कर लेना चाहिए। सिम्टम्स में मैंने बताया आपको यूरिनरी सिम्टम्स, ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग या फिर एडवांस्ड में कोई भूख ना लगना, और कई बार इन सब में से कुछ नहीं होता एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पेशेंट जो है प्रेजेंट करता है कि किडनी उसकी दोनों खत्म हो चुकी है जी। ये नॉट ओनली ये गांव के लोगों के अंदर होता है, पढ़े लिखे डॉक्टर्स में भी कई बार ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा हो जाता है जी। एंड वेरी कॉमनली हम लोग जो है महीने में एटलीस्ट 2-3 पेशेंट इस तरह के देखते हैं यहाँ पर कि स्ट्रेट फॉरवर्ड पेशेंट जो है ऐसी स्टेज 5 जिसे हम कहते हैं कि डायलिसिस की स्ट्रेट फॉरवर्ड जो होता है ऐसे प्रेजेंट करता है जी। डॉक्टर साहब सुरेंद्र सिंह हमारे साथ पानीपत से जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो सुरेंद्र बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। डॉक्टर से पूछना चाहता हूँ, मेरे किडनी है और मेरे शरीर में थकावट रहती है, थकान सी जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, थकान की समस्या मैं चेकअप करवाता हूं जिसका जिक्र मैंने किया था। एक्चुअली जो हमारा खून बनता है वो हीमोग्लोबिन जितना नॉर्मल रहे उतनी थकान कम होती है। हमारी किडनी के अंदर जो है इथ्रोपोएटिन प्रोड्यूस होता है तो इसके किडनी की बीमारी में हीमोग्लोबिन कम होना शुरू हो जाता है, तो पेशेंट थकावट महसूस करता है, भूख कम हो जाती है, उसकी सांस फूलता है, ये सब लक्षण किडनी की बीमारी के हैं। ऐसे में आपको हीमोग्लोबिन चेक कराना चाहिए, किडनी के बारे में टेस्ट कराने चाहिए, किडनी के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो ये सब चीज़ का इलाज अवेलेबल है। हम हीमोग्लोबिन नॉर्मल लेके आ सकते हैं तो हमें इलाज कराना चाहिए जी।
डॉक्टर साहब बहुत ही ब्रीफ में जल्दी से जान लेते हैं कि प्रिवेंशन क्या क्या है। एक्चुअली तो किडनी के अंदर जो है हमारे कुछ तो लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने पहले बताया जी, यानी कि आपको डेली एक्सरसाइज करना, वेट को मेंटेन करना, बीएमआई लेस देन 25 से नीचे रखना जी, स्मोकिंग ना करना, अल्कोहल मॉडरेशन में लेना, नमक कम खाना, तली हुई चीजें बहुत कम लेना, अपना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं ये। एंड देन जो हाई रिस्क ग्रुप है, हाई रिस्क ग्रुप वो है जैसे डायबिटीज के पेशेंट हैं, या ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, या ओबीज लोग हैं। ओबीज ओबेसिटी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर क्रॉनिक किडनी डिजीज, या एल्डरली लोग हैं बियॉन्ड 65 इयर्स मेल्स हैं, या जिनके फैमिली हिस्ट्री में किडनी डिजीज है, या पहले से किसी को किडनी की बीमारी रही है, या फिर ऐसा ग्रुप है जो कि ज्यादा किडनी की बीमारी जिन लोगों में होती है, इनमें एनुअल चेकअप स्क्रीनिंग जिसे हम कहते हैं बहुत जरूरी है। और एनुअल चेकअप में कोई खास नहीं है, 200 रुपए का टेस्ट है अकेला, ब्लड प्रेशर चेक कराना, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन चेक कराना, और सीरम क्रिएटिनिन चेक कराना, और ईजीएफआर चेक कराना जी। ये सारी चीज जो है हमें 200 रुपए से ज्यादा कॉस्ट नहीं करती है जी, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये 200 रुपए जिंदगी के लिए भारी पड़ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहने के लिए, और हमारे दर्शकों को किडनी की समस्याओं से जुड़ी अहम जानकारी साझा करने के लिए। और जनता टीवी ये उम्मीद करता है कि आप डॉक्टर साहब की दी हुई जानकारियों का लाभ उठाएंगे और अपने जीवन शैली में थोड़ा सा परिवर्तन लाएंगे ताकि आप सेहतमंद रह सकें, और ऐसे ही मुद्दे तमाम हम लेकर के आते रहेंगे जिनसे आपको लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।